नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। मोहम्मद पीर की यह साधना है दुष्ट शत्रु को किलित करने की साधना। किलन दो तरीके का होता है। एक किलन वो होता है कि अगर आप पर किसी ने मूड चलाए हो तो उसको किलित कर देना। दूसरा किलन होता है कि अगर कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है तो उसके व्यापार या उसके जीवन में किलन लगा देना। कीलन सीखने या कीलन चलाने से पहले ये समझ लो कि ये अच्छी साधनाओं में इनकी गिनती नहीं होती है, क्योंकि जो सटकर्म होते हैं उनको करने की भरपाई होती है। जो मैं आज आपको साधना दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत लोगों के व्यापार को लोग किलित कर देते हैं, व्यापार के स्थान को लोग किलित कर देते हैं, ग्रह को लोग किलित कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए यह साधना है। दूसरा, वीरों की साधना देने का एक सोचा था, एक छोटा सा मोहम्मद पीर का वीर की यह साधना है। ये अगर आप लोग करिएगा तो जो भी कीलन का आप लोगों के जीवन में जो भी प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। कीलन का और एक उपयोग होता है जो हम लोगों में से बहुत सारे साधक नहीं जानते हैं, वो ये है कि कीलन करना साधकों के लिए बहुत अनिवार्य होता है। कीलन करने से क्या होता है कि जिस स्थान पर आप कीलन कर रहे हैं, मतलब साधना करते हैं, उस स्थान को किलित करके रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि बहुत सारी नकारात्मक शक्ति, जैसे मैं उस दिन लाइव में बता रहा था या किसी वीडियो में आप लोगों को बता रहा था कि अगर सपने में आपको कोई मंत्र देके जाता तो उसका क्या मतलब होता है, तो मैंने आपको बताया था कि उसका दो मतलब होता है। या तो जो गुरु है आपके पूर्वजन्म का वो आपको मंत्र देना चाह रहा है, या आपका जो गार्जियन है वो आपको मंत्र देना चाह रहा है, या दूसरा इसका एक कारण होता है कि आसपास की जो छोटी एंटिटीज होती है, जो लोअर डायमेंशन एंटिटीज होती है, वो आपकी साधना को देख के आपसे आकर्षित होती है और फिर वो आपसे संपर्क करती है और अपनी पूजा आपको कराती है और आपको लगता है कि आपने कालिया भैरव सिद्ध कर दिया। वो लोग शुरुआत में आपका छोटा मोटा काम भी करते हैं तो आपको लगता है वाह मेरी तो दिव्य शक्तियाँ चल रही हैं, लेकिन वो आपके लिए एक ट्रैप होता है। तो इस तरह की शक्तियाँ आपके जीवन में असर ना करें, आपके साधना पर असर ना करें, तो उसके लिए कीलन होता है। कीलन का और क्या लाभ है, जब ये शक्तियाँ आपसे जुड़ती है, आपने देखा हो बहुत सारे साधक पागल हो जाते हैं। तो क्यों पागल होते हैं, तो बंधन नहीं करते हैं वो, अपने आसन का बंधन नहीं करते, दिशा का बंधन नहीं करते, वस्त्र का बंधन नहीं करते। उसी तरह स्थान का जब बंधन होगा तो वो कीलन से होता है। कीलन का सबसे जो आसान मतलब है वो क्या है, कीलन का मतलब होता है कील लगाना। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे तांत्रिक जो है वो कील देते हैं पढ़ के, उसका कील को घर के चारों तरफ आप ठोकते हो। हालांकि ये कील ठोकने वाली व्यवस्था में मैं विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि जिसके घर में कील ठुका है उसका व्यापार और धन का जो द्वार होता है वो किलित हो जाता है। इसीलिए मंत्र का प्रयोग करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि कील विल घर में ना ठुके। चलिए अब मैं आता हूँ इस मंत्र पे। तो ये मोहम्मद वीर की साधना है, 21 दिन तक चलता है ये साधना और 108 बार इसका जप करना होता है, ठीक है। सिर्फ 21 दिन करके 108 बार जप आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो रात के समय में साधना को करेंगे, 11:30 बजे के बाद मुख आपका दक्षिण होगा, प्रसाद चढ़ाएंगे, अगरबत्ती चढ़ाएंगे, अगर ऑर्गेनिक अगरबत्ती, जो एक तो अभी नेचुरल सेंट वाली अगरबत्तियाँ आती हैं जैसे गुलाब का आता है, इस तरीके का जो आता है, ये अगरबत्ती चढ़ाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ना कि वो जो अभी अजीब अजीब स्मेल वाले अगरबत्ती आते हैं। उसके बाद एक आप दीपक जलाइएगा, जो भी तेल अवेलेबल हो वो साधना के हिसाब से आपके पास प्राप्त हो जाएगा, उसको जलाइएगा। संकल्प कीजिएगा पहले दिन और उसके बाद 108 बार जाप कीजिएगा काले हकीक की माला से। मंत्र है इसका, मैं अभी मंत्र बोलूंगा 3 बार, आप लोग मंत्र को लिख लीजिए। अगर आप मंत्र नहीं लिख पाते तो जितना मंत्र आपने लिखा है उतना लिख के मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं पूरा मंत्र आपको भेजूंगा, लेकिन बिना खुद से प्रयत्न किए मुझसे मंत्र मत मांगिएगा लिखा हुआ। मंत्र क्या है, मंत्र है, भय किलू भैसासुर किलू, किलू अपनी काया, जगता मसान किलू, जिसकी बैठू छाया, बलिहारी मोहम्मदा वीर की, किलू पवन बावरी, मन चाहे जहां डोलू, दुष्ट की मुष्ट किलू, मेरा किले ना किले, तो अपनी माँ के संग हराम करे, दुआए मोहम्मदा वीर की। एक बार और सुनो, धीरे बोल रहा हूँ, इस बार लिख लेना अच्छे से।
ठीक है। भय किलू भैसासुर किलू, किलू अपनी काया, जगता मसान किलू जिसकी बैठू छाया। बलिहारी मोहम्मदा वीर की, किलू पवन बावरी, मन चाहे जहां डोलू, दुष्ट की मुष्ट किलू। मेरा किले न किले तो अपनी माँ के संग हराम करे, दुहाई मोहम्मदा वीर की। एक बार और सुन लो। भय किलू भैसासुर किलू, किलू अपनी काया, जगता मसान किलू जिसकी बैठू छाया। बलिहारी मोहम्मदा वीर की, कीलू पवन बावरी, मन चाहे जहां डोलू, दुष्ट की मुष्ट कीलू। मेरा किले ना किले तो अपनी माँ के संग हराम करे, दुहाई मोहम्मदा वीर की। ये मंत्र जो है आप 21 दिन तक 108 बार जपेंगे, रोज रात में हकीक के माला पे, काला हकीक के माला पे। इसके बाद इसका प्रयोग कैसे करेंगे? देखो, एक तो इसका उल्टा प्रयोग है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये करना मत, क्योंकि अगर किसी का कीलन करोगे तो वापस तीन फोल्ड कीलन, थ्री फोल्ड कीलन आपके पास लौटेगा। तो क्या करना होता है कि काला उड़द ले लेना और उसके उसके ऊपर उसको ऐसा एक हाथ में रखना और उसके तरफ देखते हुए 21 बार ये मंत्र पढ़ना, ठीक है। और 21 बार पढ़ के उसके बाद तीन फूंक उस पर मारना और वो उड़द जहाँ फेंकोगे वहाँ का कीलन हो जाएगा। ये आप अपनी सुरक्षा के लिए भी ऐसे किलन कर सकते हो। वो जो बहुत लोग कांटी ठोकते हैं ना, वो कांटी ना ठोक करके ऐसे भी आप अपना प्रॉपर्टी के चारों तरफ उस उड़द को अगर छीट दोगे तो किलन हो जाएगा। दूसरा, 21 बार इसको पढ़ करके सुगंधित अच्छी अगरबत्ती जलाना। इसमें अगरबत्ती का बड़ा महत्व होता है। ये जो गूगल की अगरबत्ती होती है, गुलाब की अगरबत्ती होती है, जैस्मिन की अगरबत्ती होती है, जिसका नेचुरल स्मेल होता है, ये अगरबत्तियाँ जलाओ और 21 बार पढ़ के उसको जब जलाओगे तो जहाँ तक उसका सुगंध जाएगा, मान के चलो आपकी फैक्ट्री है तो आपने जला दिया, पूरी फैक्ट्री में उसका गंध जा रहा है, तो जहाँ तक उसका गंध जाएगा वहाँ तक कीलन हो जाएगा। और कोई अगर कीलन किया हुआ तो वो कीलन खुल जाएगा। अगर बहुत बड़ा एरिया है तो इसको पढ़ के अगरबत्ती जलाओ और उसके बाद उसके चार दीवारी के चारों तरफ घूम जाओ तो उससे कीलन खुल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई आपका बहुत बड़ा शत्रु है जो दुष्ट है, ठीक है, तो इसी मंत्र को पढ़ के आप 21 बार पढ़ कर उसके तरफ देख के फूंक देना तो वो उसका मन किलित हो जाएगा। उससे फिर वो कोई भी दो नंबर का काम या कुछ भी आपको हानि नहीं पहुंचाने का सोचेगा। तो ये हो गया मोहम्मद वीर के कीलन का साधना। वीरों की साधना में मैं नरसिंह वीर का एक साधना शिविर करने वाला हूँ। देखो, नरसिंह वीर का साधना शिविर में मैंने लिखा है कि जो सबल हो वही आए, क्योंकि देखो 10 दिन रहना खाना, ठीक है, और साथ में नरसिंह वीर की साधना में बहुत सारा सामान लगता है तो वो आपको खरीदना पड़ेगा। तो जो सफल हो वो मुझसे संपर्क करें, उस साधना को हम लोग साथ में करेंगे। 9 दिन की साधना, 10वां दिन पूर्ण आहुति देंगे। आप सभी को कुछ ना कुछ उसमें अनुभूतियाँ होंगी, शक्तियाँ आप साथ लेके जाएंगे, अगर मन से किया और पहले से कुछ साधनाएँ कर रखी हैं तब। अब एकदम आप मतलब आपको आसन बांधने नहीं आता, आप आ जाओगे कि गुरुजी मैं तो आज वीर पकड़ के जाऊंगा तो वीर उठा के पटक देगा, मुझे इतना डराया था वीरों ने जब मैंने वीर कंगन की साधना की थी। तो ये एक विषय है, आज के लिए इतना ही। इसके अलावा अगर आप साधना मुझसे सीखना चाहते हैं तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बेसिक साधनाएँ मैं सिखाता हूँ, उससे आप जुड़ सकते हैं। अभी एक साधना शिविर होने वाला है, अगर आप साधना करते हैं तो 1 से 3 तारीख रात तक एक साधना शिविर है शिवपुरी में, उसमें आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है तो मेरा वेबसाइट है www.aghortantrahasya.xyz। इसके अलावा मेरी एक किताब है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, वो आप खरीद के पढ़ सकते हैं। अगर आपको भूतों में इंटरेस्ट है डायरेक्ट फ़ोन करने के लिए, कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप ऐप स्टोर से, या फिर वो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए। रुद्रनाथ आपको उसमें नाम मिलेगा, आपको कॉलिंग ऑप्शन मिलेगा। बहुत अर्जेंसी हो तो मेरे व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप लोगों का जो भी समस्या होगी कीलन से रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएगी। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।